फ्रेंड स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आज हम आए हुए हैं यूनिवर्सल पीस हॉल में, जो कि यहां पर सबसे बड़ा हॉल माना जाता है, और इसमें मिनिमम 5000 लोग एक साथ और भी बेस्ट फैसिलिटी से बैठ सकते हैं इस हॉल में। और इस हॉल को यूनिवर्सल पीस हॉल के साथ साथ इसको ओम शांति भवन के भी नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि इसमें अभी इस टाइम क्लास में मुरली चल रही है। बीके सीलू दीदी जी मुरली का ज्ञान सुना रही हैं। हम लोग अभी उसी ज्ञान सुनकर ही बाहर निकले हैं। तो इस पीस हॉल का जो निर्माण हुआ था 1983 में हुआ था, और यहाँ पर जो इन मुरली सुनाती हैं ये 16 लैंग्वेज 16 भाषाओं में कन्वर्ट की जाती है। फ्रेंच हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लिश हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, चाइनीज भाषा में, रूस, तो मतलब 16 भाषाओं में कन्वर्ट की जाती है। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल के और भी कई चीज़ें। आइए इंस्ट्रक्शन दिया है यहाँ पर, फ़ोन निकालना, ये फ़ोटो खींचना मना है। तो यहाँ पर छोटा सा गार्डन मिल गया हमें। पीस हॉल के बगल ही जस्ट ही थोड़ा सा बैठने का स्थान दिया गया है, छोटा सा गार्डन है, झूले दिए हैं बच्चों के लिए यहाँ पर, एक्सरसाइज का भी यहाँ पर एक्सरसाइज की व्यवस्था भी की गई है। टाइम हो गया, सब लोग बाहर निकल गए हैं क्लास से। मैं थोड़ा पहले चला आया था वीडियो बनाने के लिए। अब चलते हैं, हम लोग भी बाहर चलते हैं। मुझे रास्ता भी नहीं पता किधर से जाना है। आइए देखते हैं। मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ना होगा, तो मैं चलता हूँ। काफी अच्छा दृश्य है। यहाँ पर लाइब्रेरी है, किताबें मिलती हैं।
नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स वगैरह। ये गॉडली गिफ्ट शॉप है, मेडिटेशन रूम, यहाँ से हमें काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। यही है यूनिवर्सल पीस हॉल। पांडव भवन में आ गया, यहाँ पर मेडिटेशन रूम है, आइए दिखाते हैं हम आप सबको। तो यहाँ पर योग हो रहा है, लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। तो ये पीछे जो दिख रहा है ये मेडिटेशन हॉल है। हम चलते हैं, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, अभी